प्रश्न। और संजय जी नाम के व्यक्ति जो है सो इस अशोक कुमार बुट्टी जी को यहाँ लाए हैं, अभी स्टेटमेंट दिए वो पुलिस के वरीय पदाधिकारियों के समक्ष, डीएसपी साहब के समक्ष कि घटना यह है कि वहाँ पर 3-4-5 लोग गाड़ी पाजेरो से आए, कोतवाली के आगे मोड़ पर गोलपत्थर के पास उसको ढकेल के गाड़ी से उतारे। किनको? ये वार्ड पार्षद महोदय को उतार करके बोले कि इसको ले जाके कहिए थाना में कि रोड पर शराब पी करके नशा में गिरा हुआ था। ये पुलिस का स्टेटमेंट सामने है। उनके परिवार का ये कहना है कि हम लोग वहाँ घर जा रहे थे, बाटा मोड़ के पास राजू बरनवाल जी, विक्की शर्मा जी और 13 के पार्षद राहुल जी मारपीट किए, गाड़ी से धक्का मारे, मोबाइल छीन लिए, उनके साथ घटना घटाए और उठा करके गाड़ी में फरन कर लिए और वहाँ से ला करके कोतवाली में रास्ता में मुंह में बोतल ठूस करके और यहाँ जमा कर। उनका ये भी कहना है कि मैं जीवन में कभी आज तक शराब नहीं पिया हूँ, 10 साल पहले एक बार बांग या शराब का कुछ सेवन किए थे जिसके चलते दिल्ली तक इनको इलाज कराना पड़ा। ये अर्ध विकसित शरीर है इनका, कोई लंबा चौड़ा सामान्य व्यक्ति नहीं है, इनका बस का रोग नहीं है, किसी तरह खाते पीते चलते हैं, बहुत ईमानदारी से ये जीवन जीते हैं। और उसके बाद पुलिस का ही ये कहना है कि हमको जो है सो वहाँ पर ला करके फेंका गया और गाड़ी से उतार के दिया गया और हमको कहा गया कि जाके थाना में कहिए कि ये नशा के हालत में मारपीट कर रहा है, ये तो कहना है थाने का ही। अभी डीएसपी साहब से क्या बात हुई? डीएसपी साहब ने कहा कि मैं इस मामले को गंभीरता से ले रहा हूँ और उस पर जो है सो हम कार्रवाई करेंगे और उन्होंने उनका परिवार लोग पिटीशन दिया है जिस पर मामला इसको दर्ज करने के लिए। क्या होगा बुट्टी जी को, क्या लोग शराब पी? अभी हम लोग जा रहे हैं डीएम साहब से मिलने, कमिश्नर साहब से बात हुआ है, उसके बाद हम लोग सीनियर एसपी साहब बुलाए हैं उनसे मिल करके, तब यह मामला का किसी तरह का विवाद इनका पहले से भी कुछ विवाद से विवाद इनका जैसे है कि राजू जी का मकान एक दो ठो तोड़ने के लिए नगर निगम से आदेश, सरकार से आदेश है, डिविजनल कमिश्नर साहब यहाँ से है, ये मामला बेचारा उठाते हैं। और राहुल जी चुनाव लड़े थे तो उनको ये वोट नहीं दिए थे, अब मौका मिल करके सब सेटिंग वेटिंग करके इस तरह से इनके साथ घटना घटाएगा, ये जो ये बता रहे हैं। यानी बुट्टी जी शराब पिए नहीं थे, पिलाई गई है? हम तो आज तक जीवन में एक बार प्रोग्राम था अभी रांची में हजारीबाग में, तो लोगों ने इनको ऑफर किया, बोला कि सर एक बार तो हम ऐसा किए थे कि हम जाके एडमिट रहे, दिल्ली तक मेरा जान बचा है, मेरा शरीर का बनावट ऐसा नहीं है कि मैं ड्रिंक और असहज काम कर सकूँ, वो देखने का चीज़ है, 2.5-3 फीट का पूरा लेंथ है इनका, ऐसे में इनका ये हम वर्षों से साथ रहे हैं, देखे हैं, हम लोग कभी भी नहीं सुने, इतने काउंसलर हैं अभी 30-40 लोग यहाँ पर हैं, कभी नहीं कि बुट्टी जी मारपीट किया, लड़ाई किया, झगड़ा किया या किसी का ऐसे आचरण व्यवहार है, हम लोग कभी। क्या लगता है कि बुट्टी को आपके दो दिग्गजों के बीच में उनको पीसा जा रहा है, मोहरा बनाया गया? अगर विवाद हमसे किसी को हो तो हमसे बात होनी चाहिए, इसका शिकार किसी और को बनाना ये बहुत ही गलत है, इस कितनी भी भर्सना की जाए वो कम हो। अगर वो किसी परिस्थिति में कहीं थे या कुछ भी पाते थे तो इस तरह का नहीं करना चाहिए किसी व्यक्ति के साथ, ये बहुत ही निंदनीय है। आप कल आपके साथ कुछ हो सकता है, परसों उनके साथ हो सकता है, जो हमारी बात नहीं माने ये रंगदारी राज हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता। सारे 65 लोग हैं, सबका ले लोग हैं, करीब कम से कम 40-50 लोग हैं यहाँ पर, सब 65 लोग एक बार खड़ा हो जाए।